अखिलेश का मेगा प्लान, भाजपा भी मुसीबत में, पश्चिमी यूपी में जयंत का साथ तो पूर्वी यूपी में राजभर के सहारे, 64 ओबीसी वर्ग को टिकट, 31 मुसलमानों को टिकट और जयंत के गठबंधन के साथ 36 और मुसलमानों को टिकट। अखिलेश ने 2022 चुनाव जीतने की कर ली है पूरी तैयारी। जिस तरीके से अखिलेश 2022 चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार अखिलेश कोई भूल नहीं कर रहे हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर हो या जातिगत समीकरण पर अपनी पैनी नजर बनाए रखना। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो अखिलेश ने प्रदेश में ऐसा जाल बिछा दिया है कि विपक्ष और भाजपा इस जाल में फंस गए हैं और निकलना मुश्किल पड़ रहा है। आइए जानते हैं अखिलेश का मेगा प्लान। पश्चिम में जाटों पर अच्छी पकड़ रखने वाली लोकदल से गठबंधन करने के साथ ही अपनी पकड़ को पूर्वांचल तक मजबूत रखने के लिए ओपी राजभर का साथ दिया। वहीं एससी वोटों को लुभाने के लिए पूर्वांचल के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मनाकर बड़ी चाल चल दी है। टिकटों का बंटवारा भी ऐसा किया है कि विपक्ष परेशान होने लगा है। वहीं बात करें तो मुसलमानों को लुभाने के लिए खूब टिकट बांटे गए। 31 मुसलमानों को सपा से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं आरएलडी और सपा गठबंधन से 36 मुसलमानों को टिकट देकर अपना मुस्लिम कार्ड भी खेल दिया है। अखिलेश 2017 चुनाव की कोई भी भूल इस चुनाव में नहीं करना चाहते और यही एक कारण है कि वो अपने 2022 चुनाव के लिए नए नए प्रयोग करके सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अगर 2012 के तर्ज पर अखिलेश को प्रदेश से बहुमत मिलता है तो अखिलेश का मेगा प्लान कामयाब हो सकता है। वहीं बात करें तो 2017 चुनाव में अखिलेश की पार्टी 311 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से मात्र 47 विधायक जीतकर समाजवादी खेमे में पहुंच पाए थे, तो वहीं 25 विधायकों की जमानत जब्त भी हुई थी। इसी हार को देखते हुए अखिलेश ने बड़ी तैयारी की है। अगर बात करें 2012 विधानसभा चुनाव की तो अखिलेश ने कुल 401 विधानसभाओं पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 224 विधायकों की जीत के कारण अखिलेश ने प्रदेश में सरकार बनाई थी। पुरानी गलती को न दोहराते हुए अखिलेश ने इस बार चाचा शिवपाल सिंह यादव का भी साथ लिया है और नाराज नेताजी का भी आशीर्वाद लिया है। पुरानी गलतियों को न दोहराते हुए अखिलेश ने अपने गृह जनपद मैनपुरी यानी अपने पिताजी की लोकसभा की विधानसभा करहल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। करहल से चुनाव लड़ने का मतलब है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक इस सीट का बड़ा असर पड़ सके और अपने नारे नई सपा नई हवा का सपना साकार हो सके